अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने दुआ में रखें। तो बच्चों, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे। 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 3 और 4 डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में बहुत दफा आया हुआ, फेडरल बोर्ड में भी और लाहौर बोर्ड एज वेल और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गौर से समझिएगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास है 216। ठीक है, 216 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, 216 एलसीएम हमने लेना है। 2 छोटा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 और 2 8 16, then 2 5 10, 2 4 8, again 2 2 4, 2 7 14, again 3 9 27, 3 3 और 3 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ रहा है। 25 क्या है? राइट इट एज 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास 2 की पावर 3 होल की पावर, अलग अलग कर रहा हूं मैं, अलग अलग पावर करूंगा, 2/3। इसी तरह 3 की भी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3। ठीक है, सिमिलरली 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है होल की पावर क्या है? 1/2 ओवर हमारे पास ये देखो क्या है, 0.04 है। तो कह रहे राइट इट एज 4/100। जब मैं पॉइंट खत्म करूंगा तो 4/100 आ जाएगा, तो 4/100 होल की पावर -1/2। ठीक है, सॉल्यूशन नेक्स्ट देखिएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो ऊपर क्या रह गया? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अब अगर मैं 4/100 की कटिंग करूंगा तो मेरे पास 25, 1/25 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/25 होल की पावर -1/2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अब ये पावर माइनस है, होल की पावर अगर -1/2 हो तो अगर मैंने ये पावर का साइन जो है, ये साइन मुझे ये वाला साइन प्लस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस टर्म को जो अंदर वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर लूंगा, तो ये 25 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 25 अंडर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। तो कैन आई राइट इट एज 25 की पावर 1/2। ठीक है, इसको आगे फर्दर यहां पे सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास क्या है? अंडर रूट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 25 है। कैन आई राइट इट एज 5 स्क्वायर पावर 1/2। और गेन देखिएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल तो 5 रह गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों स्क्वायर है, बेसिकली क्या है? स्क्वायर है, अंडर रूट से दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूजन बच्चों की दूर करना चाहूंगा। अब समटाइम बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल कर दिया, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल कर दिया और 2 प्लस x लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो मैं इसको यू भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं यू नहीं लिख सकता, 2 प्लस x का होल स्क्वायर नहीं, ये कैंसिल नहीं होता होता, बिल्कुल ये रॉन्ग है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये कैंसिल हुआ। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है,
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 और 4 डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरह ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 2 की पावर 3। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा पहला वाला नंबर है 5 2 की पावर 3। यहां पे 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 5 पावर 8 डिवाइडेड बाय। अब जब आपको मैंने ये प्रॉपर्टी भी समझाई थी, जब इस तरह पावर होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होते हैं मल्टीप्लाई, दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 2 सर क्या हो जाएगा 6, तो 5 की पावर 6, तो 5 8 डिवाइडेड बाय 5 6। अब क्या होगा, ऊपर जाके पावर्स क्या हो जाएंगी, -8 -6, 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास 25। ये था आपके पास पार्ट 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह का एक नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, x क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, वो उसकी पावर का स्क्वायर है, तो ये दोनों तो होंगी मल्टीप्लाई, ये दोनों तो होंगी मल्टीप्लाई, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3 2 6 डिवाइडेड बाय। अब यहां पे देखिएगा x की पावर 3 की पावर 2 है, तो x 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 आपको पता 9 होता है, 3 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 9, 3 की पावर 2 हमारे पास 9, तो ये क्या हो जाएगा x 9, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहां पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। पहले हमने उसको सॉल्व किया, अब दोनों को डिवाइड कर दो, x 6 डिवाइडेड बाय x 9। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 ओवर x की 9 माइनस 6 1 ओवर x 3। अब बच्चों का क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि सर आप 9 क्यों नहीं ऊपर ले जाएंगे, चले 9 को ऊपर ले जाएं, x की पावर 6 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा माइनस 3, दोबारा सिंपलीफाई करूंगा तो x की पावर 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा जो छोटी पावर होती है वो बड़ी की तरफ लेके जाता हूं, प्लस भी करनी हो या सब्ट्रैक्ट भी करनी हो तो छोटी पावर को बड़ी की तरफ लेके जाता हूं। ठीक है, ऊपर से मैं जब पावर नीचे लेके आऊंगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये थी बच्चों आपके पास एक्सरसाइज, हमारे पास जो क्वेश्चन था पार्ट 4 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये तीनों, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत दफा आए हैं, फेडरल बोर्ड में भी बहुत दफा आए हैं, स्पेशली ये 2 क्वेश्चन फेडरल में शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.5 व्हिच इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।